हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू हियर देन हाय, आई एम मन रॉय, आई एम ए प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। मैं मेरे चैनल पे मेकअप एंड स्किन केयर रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती हूँ। एवरी ट्यूजडे एंड थर्सडे यू विल गेट न्यू वीडियो ऑन माय चैनल, सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे फाउंडेशन जो कि इस समर में बहुत ही ज्यादा सही है, क्योंकि समर में हम कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं या फिर मेकअप करते हैं तो बहुत ज्यादा होता है ना, फेस पे ह्यूमिडिटी की वजह से मेकअप निकल जाता है, उतना टाइम तक स्टे नहीं करता है। तो आज मैं जो भी आपको फाउंडेशन दिखाऊंगी वो समर के लिए बहुत ही सही है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सो फर्स्ट वन इज लॉरियल इन्फेलिबल प्रो मैट फाउंडेशन। इसमें 18 शेड्स अवेलेबल है। ये फुल मैट फाउंडेशन है, सेल्फ सेटेड है, आपको पाउडर से सेट करने की जरूरत नहीं है। इसका मीडियम कवरेज है, आप फुल कवरेज में बिल्डअप कर सकते हो। और ये फाउंडेशन एक वाटर प्रूफ ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन है, तो अगर आप मास्क लगाते हो तो मास्क में आपका ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं होगा। ऑल्सो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है। सेकेंड वन इज ऑल्सो माई फेवरेट वन, इट्स हुडा ब्यूटी फॉक्स फिल्टर फाउंडेशन। ये एक फुल कवरेज फाउंडेशन है, ऑल्सो एक फुल मैट फाउंडेशन है जिसको आप कह सकते हो। ये कम्प्लीटली वेगन प्रोडक्ट है, इसमें फ्रेग्रेंस है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, हल्का सा फ्रेग्रेंस है। तो जिनको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है, माइग्रेन का प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर जिनको फ्रेग्रेंस से उतना प्रॉब्लम नहीं है उनके लिए सही है। इसका जो कंसिस्टेंसी है एकदम क्रीमी है, आपको बहुत जल्दी इसको ब्लेंड करना पड़ेगा क्योंकि बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और ये फाउंडेशन भी आपको पाउडर से सेट करने की उतना नीड नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो पर उतना ज्यादा जरूरत नहीं है। और ये भी एक ट्रांसफर प्रूफ फाउंडेशन है, लॉन्ग लास्टिंग है। तो इसमें 29 शेड्स अवेलेबल है और इसका जो पैकेजिंग है काफी अच्छा है, पंप है, तो प्रोडक्ट जो यूज करना काफी इजी रहता है। तो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टोटल कंट्रोल ड्रॉप फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की जो कंसिस्टेंसी है बाकी का जो फाउंडेशन है उससे काफी ज्यादा यूनिक है, एकदम लिक्विडी वाटरी टाइप का कंसिस्टेंसी। ये आपके फेस पे फुल मैट लुक देता है, इसका कवरेज मीडियम है, फुल कवरेज में आप इसको बिल्डअप कर सकते हो। ये आपके स्किन पे बहुत ज्यादा लाइट वेट फील होता है, बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगा। और इसमें 12 शेड्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वन इज मिलानी कंसील प्लस परफेक्ट फाउंडेशन। तो इसका नाम कंसील प्लस परफेक्ट है, तो आप समझ ही सकते हो इसका जो कवरेज है बहुत ही अच्छा, एकदम फुल कवरेज है। और इसका जो कंसिस्टेंसी है एकदम थिक टाइप का कंसिस्टेंसी है, बहुत ही थिक, मैं कहूंगी क्रीमी थिक टाइप का कंसिस्टेंसी है। अप्लाई करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि ड्राई हो जाएगा जल्दी, आप इजिली इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद ये बहुत अच्छे सा एक मैट लुक देता है, आपको इसको पाउडर से सेट करने की जरूरत पड़ेगा, नहीं तो ये होता है ना क्रीज हो सकता है थोड़ा बहुत, तो हम मोस्टली टाइम पाउडर तो यूज करते ही है। तो आप इसको पाउडर से सेट कर दोगे तो आपका मेकअप जो है कंप्लीटली फुल मैट हो जाएगा एंड काफी टाइम तक ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है। स्पेशल ओकेशन के लिए मैं कहूंगी इस प्राइस रेंज के अंदर ये एक सही फाउंडेशन है। और इसमें ओनली 10 शेड्स अवेलेबल है, तो शेड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, अगर और थोड़ा शेड रेंज होता तो सही रहता, पर मैं कहूंगी अगर आपको शेड मिलता है अपने स्किन के हिसाब से देन ये एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है जो कि समर में बहुत ही सही रहेगा। सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशन, ये है मैक का स्टूडियो फिक्स फ्लुइड फाउंडेशन। ये बहुत ही पॉपुलर फाउंडेशन है, इसका जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही उतना ज्यादा थिक नहीं है, क्रीमी टाइप का है, पर ये एक मैट लुक देता है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये फाउंडेशन जब आप अप्लाई करोगे अप्लाई करने के साथ ही साथ आपको ब्लेंड करना है, अगर ब्लेंड करने में थोड़ा सा भी टाइम लगाओगे वो एकदम उस जगह पे सेट हो जाएगा, बाद में ब्लेंड नहीं होना चाहेगा। ये एक मीडियम कवरेज देता है आपके स्किन पे, आप इसको फुल कवरेज में बिल्डअप कर सकते हो। ये नॉन एक्नेजेनिक है, तो जिनके फेस पे एक्ने प्रोन स्किन है उनको मेकअप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत डर लगता है कि मेरे फेस पे पिंपल्स आ जाएंगे, तो इस फाउंडेशन के साथ ऐसा नहीं है। इसमें SPF 15 है तो और भी अच्छी बात है, तो आप डे टाइम में इजीली अप्लाई कर सकते हो विदाउट सनस्क्रीन। इंडिया में 45 शेड्स अवेलेबल है, तो शेड के बारे में सोचने की तो जरूरत ही नहीं है, आपके स्किन टोन के हिसाब से आपको शेड जो है मिल ही जाएंगे। और इसको भी आपको पाउडर से सेट करना जरूरत है, मतलब पाउडर से अगर सेट नहीं करोगे तो थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर सकता है। इस फाउंडेशन का जो फिनिशिंग है एकदम नेचुरल लुकिंग है, अगर फुल कवरेज में आप बिल्डअप करोगे तब भी बहुत नेचुरल दिखता है। और इसको आपको पाउडर से सेट करना पड़ेगा, ये आपके होता है ना फेस में, मैं कह सकती हूँ ये एक नॉन केकी फाउंडेशन है। जिनको लगता है फाउंडेशन अप्लाई करने से बहुत ज्यादा केकी लगता है, इस फाउंडेशन से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, जो समर के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है, उतना इजिली आपके फेस में जो है स्वेटिंग नहीं होता है। तो ये कुछ फाउंडेशन है जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छा है, हर प्राइस रेंज के अंदर मैंने दिखाया है, अफोर्डेबल में दिखाया है, एक्सपेंसिव में दिखाया है, तो आपका जैसा बजट है एंड आपको जिस टाइप का फाउंडेशन चाहिए उस हिसाब से आप परचेस कर सकते हो। जो भी फाउंडेशन आपको परचेस करना है, परचेस लिंक जो है मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। और एक जरूरी बात, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो उसका लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टा पे मैं और भी मेकअप रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस रील्स वगैरह अपलोड करती हूँ, देन वो भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑल्सो मेरा एक शॉर्ट्स का चैनल है तो आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।